टेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हमारे बीच में दूसरे मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका नाम है राज राय, जो भारतीय जनता पार्टी में मंडल उपाध्यक्ष वार्ड नंबर हसारी प्रथम एक से मंडल उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। आइए हमारे बीच में जुड़ चुके हैं राज राय, जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार का कहर 2022 में दिखाने वाली है, किस प्रकार का मूवमेंट 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो अगली आवाज होगी राज राय जो हमारे बीच में आज के मेहमान बनकर आए। बहुत बहुत नमस्कार हमारे चैनल में। क्या चल रहा है 2022 को लेकर? खूब आपकी योजनाएं मिली हैं लोगों को और गांव तक नहीं मिली है, विरोध भी करते हैं क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग कहते नहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर खूब सी योजनाएं मिली हैं। क्या मानते हो कौन से लोग हैं जो वंचित रह गए, कैसे वंचित रहेगा जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा? क्या है भैया जी, योजनाएं जितनी भी चल रही हैं हर जन जन तक योजनाएं पहुंच रही हैं, ऐसा नहीं है जनता को नहीं मिल रही योजनाएं, सारी योजनाएं मिल रही हैं, सारी योजनाएं मिल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती है क्योंकि ये ऐसी पार्टी है सबका साथ सबका विकास, ऐसी कोई योजना नहीं है जो गरीब तक नहीं पहुंची हो। अब कहने वाले तो जो है ना, तो उनका ये है उद्देश्य के मतलब है, कोई जैसे कांग्रेस है तो कोई भी अच्छा काम करें अपन तो उसमें भी आप निकाल देते हैं कोई ना कोई कमी, भैया ये काम नहीं हो पा रहा है। आप हमारी हसारी में देखिए, हमारी हसारी में जहाँ अपना निवास है, हसारी गोविंद नगर वार्ड नंबर एक में, लाइट की इतनी समस्या थी भैया कि मतलब 1 किलोमीटर दूरी से तार आया था। अच्छा। तो ये समझ लो सरकार तो हमारी 4 साल से 4.5 साल से काफ़ी समय से लाइट की प्रॉब्लम है, तो हमारी सरकार ने वहाँ पे लाइट की सुविधा उपलब्ध करवाई, माननीय हमारे रवि शर्मा विधायक जी ने, उनके आशीर्वाद से वहाँ पे लाइट भी आ चुकी है। आज देख लो जो टेम्पेजी कनेक्शन थे वो हटेंगे, अब परमानेंट कनेक्शन होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी हर काम के लिए बिल्कुल तैयार है। आप सड़कें देखिए, कोई भी मतलब ऐसा काम है, जैसे राशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर कह दिया है कि होली तक मिलेगा जो राशन मिलता। अच्छा, था एक सवाल वेरी इंपॉर्टेंट मेरे मन में आ रहा है, देखा जाए कि लोगों के मन में है कि डीजल पेट्रोल सस्ता ही करने था तो महंगा ही क्यों किया महोदय जी, पर जो दिवाली का तोहफा दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या है, डीजल पेट्रोल अपने यहाँ से तो रहता नहीं है, बाहर से आता है। अब जो सरकार कर सकती है, जो सरकार प्रयास कर सकती है वो प्रयास करती है सरकार, ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता से ही सरकार है और हम लोग जनता के बीच के लोग हैं, पद बाद में जनता हमारे लिए सब कुछ है। राजी एक सवाल और आ रहा है जी, देखा जाए प्रदेश के अंदर जी। अभी क्या चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, कैसे जागरूक करने का काम कर रहे हैं और जो 2022 की तैयारी चल रही है? देखो जो हमारी सरकार ने काम किया है तो हम हर जनता तक पहुंच के अपना काम बता रहे हैं, जो 4.5 साल में विकास और काम हुआ है आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। आप ये मान लीजिए भैया जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाया है 4.5 साल में, आप किसी सरकार में उठा के देख दीजिए, किसी भी सरकार में, इतनी सरकारें नहीं हैं। अपना राजनीति का श्रेय किसको देते हो, किस प्रकार राजनीति के श्रेय में आप उठे, कौन है आपके राजनीति गुरु? देखो मैं संगठन के लिए काम करता हूँ और जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं जैसे रवि शर्मा विधायक जी हैं, हमारे मुकेश मिश्रा जी जिला अध्यक्ष जी हैं, जमुना प्रसाद कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका सबका आशीर्वाद बना रहता है और जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है भैया। धन्यवाद बहुत बहुत राज राय जी को, जो मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने अपना कार्यकाल दिखाया, भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या विकास रहा क्या नहीं रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आशीष के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज 86।